गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी आर स्टडिंग चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें से हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ग्रुप 15 एलिमेंट्स. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ कंपाउंड्स देखे थे जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स बनाते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली या कैल्कोजन फैमिली. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं. सो अगेन, ये पूरा थ्योरी टॉपिक रहेगा, एक एक चीज़ को समझेंगे, क्योंकि गिव रीज़न टाइप के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं. कंपैरिजन करना, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कम क्यों है, इस टाइप की चीज़ें ही इसमें पूछी जाती है. और जब तक कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा. और जितना भी आंसर है ना, सारा जो आंसर है वो उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा होता है. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके लगभग आंसर जो है ना, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा. दूसरा जो इसमें बनता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, तो आप इससे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इजीली बना लेंगे. अगर आपको क्लास 11th का चैप्टर 3 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी, वो सब अगर पता है कि किस तरीके से वेरिएशन होता है, तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, इनको समझना बहुत ईजी है. बहुत कुछ टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 एलिमेंट, जिसको हम कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं भाई उसमें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये हैं इनके 5 एलिमेंट. ऑक्सीजन ओ, सल्फर एस, सेलेनियम एस ई, टेलुरियम टी ई और पोलोनियम पी ओ. ओके, इनका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, NH2NP4. इसलिए ये कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 16, 4+2 6, 6+10 16. सो दिस इज़ दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस ग्रुप 16 एलिमेंट्स. पर अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात करूँ और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, तो आप लिख सकते हैं ऐसा. इसमें देखो, ऑक्सीजन में 2s और 2p में ही ख़त्म हो जाता है, फिर आगे 3s 3p है ना, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3p के बाद 3d में, 4s में, 4p में. ठीक है, फिर अब किस में जाएगा, 5d 4d 5s 5p में, और उसके बाद 4f. देखो पोलोनियम में अब इलेक्ट्रॉन देखो f ऑर्बिटल में भी जाने लग गए हैं, f ऑर्बिटल में, फिर d, फिर 6s, फिर 6s, फिर 6p में. तो ये इन सबका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. अब आप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि आप देखो कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में दे ऑल हैव डी ऑर्बिटल. इसमें भी डी ऑर्बिटल है, 3s 3p और आगे क्या होगा, 3d, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब वो 3d जीरो है अभी वहाँ पर. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, d, 4s 4p और 4d भी होगा इसमें, क्योंकि 4 आ गया, 4d 4f. इसमें क्या होगा, 4d 5s 5p, तो 5s 5p है, तो इसमें क्या होगा, 4f भी होगा, 5d भी होगा, है ना. इसमें देखो 6s तक हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, 6 एनर्जी लेवल तक पहुंच गए हैं. तो वहाँ 6 एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s, p, d, f, यहाँ 5 के भी होंगे f, या तो 4 का f तो कंप्लीट ही है. तो इसके, इनके पास, सबके पास ना वेकेंट d ऑर्बिटल, वेकेंट, इन सब में तो वेकेंट f ऑर्बिटल्स भी होते हैं. तो ऑक्सीजन के पास ही नहीं है डी ऑर्बिटल्स, बाकी सबके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है. तो यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन के जो एनामलस, यहाँ आगे देखेंगे कि ऑक्सीजन का बिहेवियर ना बाकी सारे ग्रुप मेंबर से अलग होता है. जैसे हमने ग्रुप नंबर 15 में पढ़ा था कि नाइट्रोजन का बिहेवियर बाकी सारे ग्रुप के एलिमेंट से अलग है, उसका रीज़न भी मैंने 4-5 रीज़न बताया था. वैसे यहाँ पर हम ऑक्सीजन के बारे में भी देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, उसके साइज़ छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो उसका बिहेवियर है बाकी जो रेस्ट फैमिली मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट होता है. ठीक है, सो ये हो गया, हमने जनरली बात की ऑक्सीजन फैमिली की. अब हम देखते हैं ऑकरेंस. ऑकरेंस मतलब ये हमारे अर्थ के क्रस्ट पे या अर्थ के एटमॉस्फेयर में किस तरीके से मिलते हैं. सो आपको पता है ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है ना, सबसे ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही अवेलेबल है. इन सारे, इन सब से कंपैरिजन करूँ तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है. ठीक है, और एटमॉस्फेयर में तो है, साथ में ये मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब के फॉर्म में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है. अब सल्फर, तो ऑक्सीजन तो
मोस्ट अबंडेंट है ना। सल्फर की बात करें तो सल्फर कैसे मिलता है, बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके ओर सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, जिंक ब्लेंडे ZNS। तो जिंक जो है अर्थ की क्रस्ट में जिंक सल्फेट जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, जिनको जिंक ब्लेंडे बोलते हैं। तो यहाँ भी सल्फर हमको मिल रहा है, कॉपर सल्फेट के फॉर्म में मिलता है, जिप्सम के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। सो इस तरीके से सल्फाइड ओर होते हैं और बहुत सारे सल्फेट मेटल सल्फेट भी होते हैं जिसके फॉर्म में सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इवन सल्फर जो है ना वोल्केनोज में भी जो गैसेस निकलती हैं वोल्केनो से H2S गैस, तो वहाँ पर भी सल्फर होता है, अनियन में होता है, मस्टर्ड में होता है, प्रोटीन में भी होता है, वूल इन सब में सल्फर प्रेजेंट, जो गार्लिक होता है उसमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है। तो सल्फर जो है प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, ओके। अब अगर हम बात करें सेलेनियम और टेलुरियम की, SeO2, तो जैसे मेटल के सल्फाइड होते हैं ना वैसे ही मेटल सेलेनाइड और मेटल टेलुराइड होते हैं, जिसके फॉर्म में आपको सेलेनियम और टेलुरियम अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे। सो मेटल सेलेनाइड और मेटल टेलुराइड के फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब पोलोनियम क्या है, पोलोनियम जनरली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको केमिस्ट्री नहीं पता। तो अगर हम इस चैप्टर में ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करें तो जनरली इन चार एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, क्योंकि पोलोनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और उसके बारे में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री डेवलप नहीं है, ठीक है, उसका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है। बेसिकली ये ना थोरियम और यूरेनियम मिनरल्स के डीके प्रोडक्ट के फॉर्म में ये मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इनका ऑक्रेंस की किस तरीके से हमारे अर्थ क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। अब इनका मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखें तो ऑक्सीजन जो है इट इज़ नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल है, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं दे बोथ आर नॉन मेटल, ठीक। सेलेनियम और टेलुरियम जो होते हैं ये मेटलॉइड्स होते हैं और पोलोनियम जो है वो क्या है, मेटल है, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन फैमिली में भी हमने देखा था, नाइट्रोजन फैमिली में भी कुछ मेटल्स थे, कुछ मेटलॉइड्स थे और कुछ नॉन मेटल्स थे, उसी तरीके से इसमें भी होते हैं। शुरू जो ऑक्सीजन और सल्फर हैं दे आर नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटल्स एंड पोलोनियम इज अ सॉरी सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड्स एंड पोलोनियम इज अ मेटल। तो ये इनके मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। अगर हम एलोट्रॉपी की बात करें, एलोट्रॉप्स है ना कौन कौन से फिजिकल फॉर्म में मिलते हैं, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं ना सब के एलोट्रॉप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, डाइऑक्सीजन और ओजोन के फॉर्म में मिलता है ना। सल्फर जो है उसका भी एलोट्रॉप्स अवेलेबल है, रोम्बिक सल्फर होता है, अल्फा एंड बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। सो सल्फर के भी क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं, सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम इन सब के एलोट्रॉप्स प्रेजेंट है। तो इस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स होते हैं। अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ एलोट्रॉप्स और आपको ऑप्शन में दे दिया ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एलोट्रॉप्स प्रेजेंट हैं। जबकि हमने ग्रुप 15 में क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन का एलोट्रॉप्स नहीं होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स प्रेजेंट हैं पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन का भी एलोट्रॉप्स है, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम सबके एलोट्रॉप्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का क्या ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है ना, एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड होगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इस ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा कि कम होगा। अब आप देख रहे हो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस इस ग्रुप में, जब हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग देयरफॉर द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स और एटम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग,
डाउन दी ग्रुप. तो ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा पोलोनियम. तो साइज बढ़ते जा रहा है एटॉमिक साइज, वैसे ही आयनिक साइज भी इनका बढ़ते जाएगा जैसे हम ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे आते हैं. तो ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की. ठीक है, सो आप इसके लिए ना अपनी बुक एक बार अपने पास रखेंगे. बुक में बहुत सारे डेटाज हैं, उसको इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डेटाज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 के. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखिए, है ना, आप देखेंगे ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1314, बहुत बहुत हाई होती है ना. ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है. अब क्या होती है भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होती है, अगर आपको पास कोई आइसोलेटेड गैशियस एटम है और उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज़ दी आयनाइजेशन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए जो एनर्जी देते हैं दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, सो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है. आप ऑक्सीजन की देखो तो 1314 किलो जूल में होगी, है ना, ये किलो जूल पर मोल. तो आपको पता ही ऑक्सीजन की टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है. सो इसी वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है. पर जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी. आप देखोगे कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है पोलोनियम की वो तो बहुत ही कम है, 813 है. ठीक है, सो ग्रुप में जैसे डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है, कम हो रही है. इसका मतलब क्या है कि वो अब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है ना. इसके पहले वाली जो हुआ था तो भी मैंने बताई थी ये बात कि साइज़ छोटी है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, पर अगर साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. Because the distance between the nucleus and the valence electron is increasing when we move down the group, the distance between the nucleus and the valence electron is increasing, जिससे effective nuclear charge क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ये जो nucleus है उसको उतने ज़्यादा force से attract नहीं कर रहा है, तो आप easily यहाँ पर क्या दोगे, energy दोगे, और energy देने से ये electron क्या होगा, remove हो जाएगा. तो जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इजी होता है. इसी वजह से इनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. ठीक है, देखो पोलोनियम मेटल है जबकि ये दोनों नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है. तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जा रहे हैं क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. मेटालिक कैरेक्टर से क्या समझते हो, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल. ये हमने पढ़ा है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव. इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. सो मेटल्स आर, मेटल्स कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नॉन मेटल्स कैन नॉट, दे गेन इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स, दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव. सो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम होती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है. ठीक है, पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं, सो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. उसका रीज़न क्या है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, अगर दोनों में कंपैरिजन करें. सो उसका रीज़न क्या है, आप खुद सोचिए. मैंने जैसे पहले भी कहा था, सारा का सारा, मोस्ट ऑफ द आंसर लाइज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. अब आप देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये होता है 2s2 2p4. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखो क्या होगा, 2s2 2p3. तो देखो यहाँ पर p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और यहाँ पर p ऑर्बिटल इट इज़ नॉट ए हाफ फिल्ड, इट इज़ नॉट ए फुली फिल्ड, थोड़ा बहुत दो, इसको दो अनफिल्ड हैं ऑर्बिटल्स. ठीक है, इस तरीके से हैं. ठीक, सो यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, मतलब जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उसमें हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं. और आपको पता होगा लास्ट क्लास में 11th में ये डिस्कशन काफ़ी बार हुआ है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर क्वाइट स्टेबल.
जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसी वजह से जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट। एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक है, कि वाई द ग्रुप 15 एलिमेंट हैज़ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 16 एलिमेंट। सो उसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन जो है उनके में हाफ फिल्ड, या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो है उनमें हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। यहाँ देखोगे इट हैज़ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। इसलिए जो है ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई दी ग्रुप 15 एलिमेंट हैज़ लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी देन दी ग्रुप 16 एलिमेंट। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये बात हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है। ग्रुप में डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। देखो ऑक्सीजन की इतनी है और पोलोनियम की इतनी है, इसका रीज़न क्या है, साइज़ बढ़ रहा है, है ना। क्योंकि ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज अ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेटा देखें। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन दे हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेटा देखें, है ना, आपकी बुक में ही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है -141, सल्फर की -200, फिर -195, -190, तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, इस पैटर्न से क्या पता चल रहा है, पहले तो बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन इलेक्ट्रॉन गेन मतलब जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है, मतलब क्या है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी वो नेगेटिव दिखा रही है। क्योंकि सिस्टम से एनर्जी जाती है तो हम उसको क्या लेते हैं, माइनस में। सो एटम से एनर्जी जा रही है इसलिए हम यहाँ माइनस से ले रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप देखोगे यहाँ से सल्फर से पोलोनियम तक देखो तो ट्रेंड एकदम क्लियर है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। ये बहुत हाईली नेगेटिव है और धीरे धीरे इट बिकम लेस नेगेटिव। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यहीं से पता चल रहा है। पर यहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी है, एनामलस बिहेवियर एक्सेप्शन क्यों है। यहाँ से यहाँ तक तो कम हो रहा है, पर यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का कम है, सल्फर का ज़्यादा है। जबकि होना क्या था, अगर ट्रेंड हम देखें तो इसका ज़्यादा होना था, इसका कम होना था, होना था कि नहीं, क्योंकि नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है, तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। पर उसका क्या रीज़न है, 11th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। इसका रीज़न है ऑक्सीजन का स्मॉल साइज़, ठीक है। जो ऑक्सीजन का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जबकि सल्फर का साइज़ ठीक ठाक है, मीडियम रेंज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के में साइज़ छोटे होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से दिस बिकम लेस नेगेटिव, ठीक है। साइज़ दोनों में साइज़ मैटर्स। ये सपोज ऑक्सीजन है तो ये सल्फर है, ठीक है। सो ऑक्सीजन की साइज़ क्या है, बहुत ही छोटी है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इट विल एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें भी आपस में क्या होता रहेगा, रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी पास पास हैं, है ना, पास पास हैं, तो उनके बीच रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ऑक्सीजन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है, ठीक है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ईजिली ये सल्फर एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर हुआ कि क्यों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव देन दी सल्फर। इसका रीज़न है ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से वहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, और इसी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट बिकम्स लेस नेगेटिव देन दी सल्फर।
सो आप रीज़न लिखेंगे पूरा इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सो जो जितने भी एलिमेंट्स नोन है ना, जितने भी पीरियोडिक टेबल में बात करें, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, और फ्लोरीन के बाद किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो वो ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, ठीक है। जैसे HF में देखें तो F जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा? शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन के बाद किसकी होती है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज द सेकेंड एलिमेंट विच हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप डेटा देखेंगे अपनी बुक से। सो ऑक्सीजन की होती है 3.50, और उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, ठीक। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा देखते हैं। सो ऑक्सीजन की होती है 3.5, सल्फर की 2.58, फिर 2.55, 2.01, 1.76। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है। ऑक्सीजन बहुत अच्छे से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, देखो इसकी 3.5 है। फ्लोरीन की होती है 4, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 जो कि फ्लोरीन की है, ठीक है। और उसके बाद किसकी है? ऑक्सीजन की, जिसकी 3.50। सो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, समझ रहे हैं ना? मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो नॉन मेटल है, पर ये उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब ये मेटल है। सो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर कम होती है, जिसको हम क्या, इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। सो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसके एलोट्रॉप्स क्या है। सो एलोट्रॉप्स तो मैंने बता ही दिया है कि सबके ही एलोट्रॉप्स प्रेजेंट हैं, सल्फर के भी होते हैं, रोमिक सल्फर, अल्फा बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर, तो सबके ही एलोट्रॉप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो अपनी बुक देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन का 55। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है ना, और जब मास बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते ही हैं, है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर रिलेटेड टू द साइज एंड दी मॉलिकुलर मास ऑफ दी एटम्स। जितना बड़ा एटम का साइज होगा, जितना ज़्यादा उसका मास होगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। सो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर देखो, देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब देखो यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस नहीं, इनका 393 है तो इसका 490 है, यहाँ 718 है तो 950 है, पर यहाँ देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 55, 393, 90, 718। सो ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ह्यूज डिफरेंस है। क्यों ऐसा, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों हो रहा है? ये ग्रेजुअल नहीं है, यहाँ पर तो एकदम स्टेप वाइज चेंज हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज नहीं बोलेंगे इसको हम लोग। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, ये डायटोमिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कौन से फॉर्म में रहता है? डायटोमिक फॉर्म में रहता है। तो वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड रहता है, उसको ब्रेक करना होता है। जबकि जो सल्फर है, सल्फर क्या है, पॉलीएटॉमिक है, ये एस एट रॉम एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जो हमने लास्ट 11th या 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक है। तो यहाँ पर 8 सल्फर जो है इस तरीके से कनेक्टेड है क्राउन स्ट्रक्चर में, है ना, हमने पढ़ा था इस तरीके का क्राउन स्ट्रक्चर इनका,
ठीक है। सो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको यहाँ पर S8 है, 8 मॉलिक्यूल, 8 जो एटम्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपसे जो यहाँ सिर्फ डबल बॉन्ड को तोड़ना है, बट यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड हैं जिसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, उसको मेल्ट करना है या बॉइल करना है, तो इसी वजह से यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि बाकी जितने भी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम हैं, दे आर पॉलीएटॉमिक, ठीक है, उसमें दो से ज़्यादा ही उसमें एटम्स होते हैं, जबकि ऑक्सीजन डायटॉमिक होता है, उसमें हो डायटॉमिक के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन में दो ही ऑक्सीजन के एटम्स होंगे और उनके बीच डबल बॉन्ड होता है, सो यहाँ पर इसको ब्रेक करना ईजी होगा, इसी वजह से ऑक्सीजन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और यहाँ पर इतना डिफरेंस जो है उस ज़्यादा होने का यही रीज़न है, ठीक है। तो ये रीज़न भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरनेट कुछ भी नहीं, सब कुछ आंसर यहीं पर ही दिया हुआ है कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक। सो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए, अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो पीरियडिसिटी वाली प्रॉपर्टीज़ है ख़त्म होती है, अगली हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है, -2 होता है ना, कोई भी आप एलिमेंट ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, H2O ले लो, सब में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, -2। यहाँ पर भी देखो इसका -2 और इसका +1, ठीक है। NO2 जनरली जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है, -2 ही होता है, ठीक है। H2SO4 ले लो, कोई भी किसी भी एलिमेंट में ले लो, कंपाउंड लो, उस सब में ही ऐसा होगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होता है, पर जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं होता, वैसे ही OF2 है, OF2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का +2 होता है, जनरली ये क्या दिखाता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है, पर सिर्फ OF2 के केस में ही ये क्या दिखाता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, तो वो माइनस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन दिखाएगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, सिर्फ OF2 ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2, वो माइनस क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, तो वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो नहीं करेगा, वो क्या शो करता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसके, जो अगर मैं सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम या पोलोनियम की बात करूं, तो बाकी जो एलिमेंट हैं वो +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीजन है कभी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता है, उसका क्या रीज़न है, जैसे हमने नाइट्रोजन का केस पढ़ा था, नाइट्रोजन जो है वो जैसे कि फॉस्फोरस जो है पेंटाक्लोराइड बनाता है PCl5, ठीक है, पर नाइट्रोजन नहीं बनाता है, NCl5 नहीं बनता है, ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने 15 ब्लॉक एलिमेंट में, वही जो रीज़न था यहाँ पर भी वही रीज़न है, क्यों ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता, देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन पे क्या है, कोई भी डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसी वजह से ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ठीक है। सो रीज़न क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इट डज नॉट हैव एनी डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब हम जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते जाएंगे, ऑक्सीजन को छोड़ दें तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की बात करें, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होता जाता है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता जाता है, ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता जा रहा है, +6 मतलब क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, ठीक है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं कम होता जा रहा है और +4 बढ़ता जा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा रीज़न हो रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो मैं एक बार बता देती हूँ क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा, यहाँ पर भी इजी होगा, पर जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। देखो यहाँ पर जो s और p ऑर्बिटल है उससे पहले बहुत सारे और भी ऑर्बिटल्स हैं, पूरा 4f है, 5d है, 3d है, 3s है, 3p है, सो क्या हो रहे हैं यहाँ, और s जो होता है, s ऑर्बिटल जो होता है, इट इज़ मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस,
तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो एस की है उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी और इनमें 4F 5D में स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होती है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ही अब एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे इस एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ से निकलेंगे, पी ऑर्बिटल से ही निकलेंगे। इसलिए पी ऑर्बिटल सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं क्योंकि 4 ही है उसमें इलेक्ट्रॉन। तो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे और प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता जाएगा। उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को बोलते हैं कि एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि इनर्ट पेयर्स आने लगे। सो इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, कि एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। सो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट और आएगा जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में और ज़्यादा देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं 12th में इनर्ट पेयर इफेक्ट से, ठीक है। सो इनर्ट पेयर में क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इनकी कम होती है 4F 5D की और एस की ज़्यादा होती है क्योंकि इट इज़ मोर क्लोज टू दी न्यूक्लियस। इनमें डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसमें डिफ्यूजन कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोज टू दी न्यूक्लियस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, सिर्फ पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। इसलिए प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है और प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। रीज़न क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो ये एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि क्यों प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्यों कॉमन है इन द ग्रुप 16 एलिमेंट व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। तो उसका रीज़न क्या है, प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाई इट इज़ नॉट कॉमन। आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है शायद, नहीं है, पीछे शायद बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है कि जैसे ही हम ग्रुप 16 में नीचे जाते हैं तो प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है और प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो ड्यू टू इनर्ट पेयर प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज इन द ग्रुप नंबर 16 व्हेन वी गो डाउन टू द ग्रुप, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गया कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 और ऑक्सीजन क्या दिखाता है, माइनस 2। तो इसका बिहेवियर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे अलग है, उसका रीज़न क्या, ऑक्सीजन, व्हाई इट शोज द एनोमलस बिहेवियर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, क्या रीज़न है। तो पहला है इसका साइज, स्मॉल साइज, उसकी साइज बहुत कम होती है। दूसरा रीज़न है कि इट डज नॉट हैव एनी डी ऑर्बिटल, सो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और लास्ट रीज़न है इट हैज़ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इसकी जैसे मैंने बताया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोरीन के बाद किसी का नंबर आता है तो वो ऑक्सीजन का ही आता है। सो इसका तीसरा जो रीज़न है, इट हैज़ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो ये तीन रीज़न है, क्या क्या रीज़न है कि ऑक्सीजन जो है इट शोज़ दी एनोमलस बिहेवियर। पहला रीज़न है इसकी साइज़ बहुत छोटी है, इसका साइज़ बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। और दूसरा है कि इट डज़ नॉट हैव एनी डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बट रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स हैव डी ऑर्बिटल। इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है सब में, है ना, यहाँ 4D ऑर्बिटल वेकेंट है, यहाँ 5D ऑर्बिटल, यहाँ 6D ऑर्बिटल्स, तो दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, जबकि ऑक्सीजन में तो है ही नहीं ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स ही नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इन तीनों रीज़न की वजह से जो ऑक्सीजन है वो अलग सा बिहेवियर शो करता है बाकी जो एलिमेंट्स है उससे। सो दिस इज़ द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, इट इज़ अ रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। सो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं, और उस हाइड्राइड का फॉर्म होता है H2E, जहाँ पर E क्या है, कोई भी ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, या फिर क्या हो सकता है, टेल्यूरियम हो सकता है, ठीक है। पोलोनियम की बात हम नहीं करेंगे, मैं पहले ही बोल दी कि पोलोनियम की ज़्यादा केमिस्ट्री अवेलेबल नहीं, बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड उसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है, उसकी लाइफ कम होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हम जनरली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम की ही बात करेंगे। तो इनके जो हाइड्राइड्स हैं, दिस इज़ दी फॉर्मेट, H2O तो आप सभी जानते हैं, दिस इज़ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये सेलेनाइड है और ये टेल्यूराइड है।
तो इस तरीके से वो हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब इनके हाइड्राइड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो जब हम इस तरीके से जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब H2ET जो है इट इज़ अ हाईली एसिडिक इन नेचर देन H2O, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। दिस इज लेस एसिडिक एंड दिस इज दी हाईएस्ट एसिडिक, तो एसिडिक कैरेक्टर इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो क्या रीज़न है भाई कि जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन देने की एबिलिटी। अगर वो प्रोटॉन ईजिली दे सकता है H+ आयन, है ना, जैसे अगर हमने पढ़ा है HCl देखा, तो HCl क्या होता है, H+ आयन देता है और Cl आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो जो ईजिली प्रोटॉन दे सकता है, H+ आयन दे सकता है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। जो जितना ईजी से H+ आयन देगा वो उतना ही एसिडिक होगा। सो आप देख रहे हो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एटम्स जो है, ये जो TE है, ठीक है, TE का साइज बढ़ रहा है, जो सेंट्रल एटम है TE उसका साइज ज़्यादा होता है, तो साइज बढ़ता। जैसे ये है वाटर और हाइड्रोजन का लेते हैं केस, ठीक है, और इसका लेते हैं, तो यहां पर देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका रेडियस, और यहां पर देखो कोवेलेंट बॉन्ड का रेडियस, तो यहां बॉन्ड रेडियस जो है या बॉन्ड लेंथ जो बोलना चाहिए, बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है और यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो उस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो जब भी हमारा सेंट्रल एटम बहुत बड़ा हो और जो कॉर्नर एटम है छोटे हो, तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो इस बॉन्ड को ब्रेक, यहाँ पर जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच उसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के समय जो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सो कम एनर्जी में भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन दे देगा, ठीक है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है H2E के केस में, H2TE के केस में कम होती है और H2O के केस में ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है, टेलुरियम का साइज़ बहुत बड़ा है, और अगर सेंट्रल एटम का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, इजिली ब्रेक मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, एनर्जी कम देनी पड़ेगी और वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसी वजह से जो एसिडिक कैरेक्टर है H2TE का ज़्यादा है और H2O का कम है। आप लोग जनरली रीज़न नहीं लिखते हैं या रीज़न पूछो तो बताते नहीं हैं, आई डोंट नो यू पीपल वॉच द वीडियो और नॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि जब भी मैं ओरल टेस्ट लेती हूँ आप लोगों का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होता है, आप लोग शायद चीज़ें दिमाग में कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये रीज़न बहुत ही ईजी रीज़न है ना। नाइट्रोजन फैमिली में भी हमने इस टाइप के रीज़न पढ़े थे, बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर पढ़े थे वहाँ पर भी, तो ये सारे रीज़न कॉमन है, सब में लगते हैं यही रीज़न, ठीक है। अगर ये प्रोटॉन ईजिली डोनेट कर रहा है और ये प्रोटॉन ईजिली डोनेट नहीं कर रहा, तो रीज़न क्या है, जो सेंट्रल एटम इसकी साइज़ बहुत बड़ी और हाइड्रोजन की साइज़ बहुत छोटी है, बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, ईजिली ब्रेक हो जाएगा, तो ईजिली क्या दे सकता है ये, हाइड्रोजन आयन, जिसकी वजह से इट हैज़ मोर एसिडिक कैरेक्टर देन H2O, ठीक। तो ये बात हुई एसिडिक कैरेक्टर की। अब हम देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा एक चीज और है, बॉन्ड जो HE बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है ना। HE बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब यहां पर जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, पर यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। सो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कम है, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो जैसे जैसे हम ऐसे जा रहे हैं बॉन्ड एनर्जी जो HE बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती जा रही है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, आपको सोचिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब आप थोड़ा सा उसको हीट देंगे और वो क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम है तो इसको ब्रेक करना इजी होगा, है ना। सो इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी
कम होती जा रही है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे इधर से इस तरफ तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड एनर्जी कम है मतलब थोड़ी सी एनर्जी में ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। सो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। लास्ट हम देखते हैं इस हाइड्राइड की रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या, ये किसी को रिड्यूस करेगा। और रिडक्शन से क्या समझते हैं आप, अगर कोई एटम रिड्यूस हो रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, इट इज गेनिंग हाइड्रोजन, है ना। गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज रिडक्शन। सो रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये किसी को रिड्यूस कर रहा है। अगर ये किसी को रिड्यूस कर रहा है मतलब जो ये क्या कर रहा है, उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तभी तो वो हाइड्रोजन गेन करेगा सामने वाला और रिड्यूस हो जाएगा। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब ये किसको रिड्यूस कर रहा है, कितना अच्छे से रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस कर सकता है मतलब उसको कितने अच्छे से हाइड्रोजन दे सकता है। यहाँ पर भी क्या हो गई, हाइड्रोजन देने की बात आ गई। सो आपको पता है यही है जो इजिली हाइड्रोजन दे सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर एच ई बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, एच ई बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और बॉन्ड एनर्जी कम है। सो ये इजिली हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है। सो इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और ये दोनों कम होते हैं हाइड्राइड्स के केस में, ठीक है। सो ये समझ में आया, ऑक्सीजन फैमिली जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, H2E टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं लाइक H2O, H2S, H2SE और H2TE, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो HO बॉन्ड है या HE जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है ना, जैसे एग्जांपल मैं कई बार देती हूँ, ये दो चौक है, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसको ब्रेक करना ईजी होगा और इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। सो वही यहाँ पर भी होता है, यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो कम एनर्जी में भी ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजिली क्या दे सकता है, हाइड्रोजन आयन दे सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है, जिसकी वजह से इट हैज़ मोर एसिडिक कैरेक्टर देन अदर कंपाउंड्स, इट हैज़ मोर रिड्यूसिंग पावर देन दी अदर कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन विथ हाइड्रोजन की, जो ऑक्सीजन फैमिली है वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब अगला जो है कि ऑक्सीजन और हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।